स्टूडेंट लोन कराया बाहर आने के लिए, प्रॉपर्टी कोई भी है वो मेंशन करनी पड़ेगी। हाँ, अगर रेंट कैश पे आ रहा घर पे फिर वो पता दिखाना होता है। अरे भाई ये बेस्ट चीज है भाई, जिंदगी में बेस्ट चीज है। अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड हेलो टू आवर चैनल, दिस इज योर चैनल वी हैव राघव। आज की इस वीडियो में भाई हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीजा इन 2023। तो जब हम लोग स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करते हैं इन 2023 तो आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। हमारे साथ है मिस्टर नोनू, ठीक है नोनू भाई, हम लोग मतलब राघव स्लैश मतलब उसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर नोनू इसका निकनेम है वैसे, तो हम लोग इसको घर में राघव कम ही बुलाते हैं बट नोनू। चलो टॉपिक पे आते हैं। तो भाई रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया आया है तो इसको ना बिल्कुल ताजा ताजा फ्रेश पता है, मतलब इसको और भी बच्चों को जो रिसेंटली आए हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। तो मैंने एक वीडियो ना 2 साल पहले बनाया जब मैं खुद आया था, तो यहाँ पे आई बटन में लिंक आ जाएगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हो अभी का क्या स्टेटस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं और आप लोगों को क्या क्या मशक्कत करनी पड़ेगी ये सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नोन भाई सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या लगा था जब हम स्टूडेंट वीजा अप्लाई जब हम लोग स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हैं तो हमारी ना सीओई निकल के आती है, हम लोग पेमेंट वगैरह सारी कर देते हैं ना, जब अपने हम 6 महीने की फीस भर देते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो हम लोगों को ईसीओई जनरेट होती है, वो हम लोगों को सबमिट करनी होती है, ठीक है। वो आप लोगों को जब अप्लाई कर दोगे उसके बाद ही आप लोगों को मिलेगी। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट होता है कि बच्चों को कॉलेज मिल गया, उसको कोर्स मिल गया, उसकी पूरी फीस सब कुछ उसके अंदर लिखा होता है, तो वो एक मेन डॉक्यूमेंट होता है जो जाता है। फिर जाती है अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ्स की, आपके पेरेंट्स का जो भी स्पॉन्सर कर रहा है, हाँ जो भी स्पॉन्सर कर रहे होते हैं उनकी इनकम स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ्स की, ठीक है स्टेटमेंट अकाउंट स्टेटमेंट, हाँ मतलब एक बात नहीं हुई है अलग होता है। अच्छा ठीक है चलो, और क्या लगता है? फिर सीए रिपोर्ट जाएगी जो भी स्पॉन्सर कर रहा है उसका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के अंदर काफी सारी चीजें होती है, मैं नीचे लिखी हुई है तो दर दिल देख के बोलूंगा, सारा डिटेल में बताएंगे आज, बिल्कुल दबदबा बना के रखिए। हाँ और आप लोग अगर नए चैनल पे तो नीचे सब्सक्राइब बटन जाके दबा दीजिए। तो सीए रिपोर्ट्स के अंदर क्या क्या लिखा होता है भाई, मेन में लिखा होता है सैलरी फ्रॉम बिजनेस, सैलरीड इनकम हो गया जिसका बिजनेस नहीं है जिनकी, ठीक है सिर्फ सैलरी आती है, जैसे जो जॉब करते हैं तो उनकी सैलरी लगी और जिसका बिजनेस है वो बिजनेस वाली इनकम डालेंगे उसके अंदर। फिर उसके बाद डलती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है जब हम लोग सीए की रिपोर्ट बनवा रहे होते हैं हम लोगों को सब बताना होता है अपने सीए को, ऑलरेडी उसको पता होता नहीं पता सब कुछ उसको बताना होता है हम लोगों को सीए को। फिर उसके बाद क्या डलता है, फिर जाती है इनकम फ्रॉम रेंट, हाँ और फिर इनकम फ्रॉम पेंशन। अच्छा अगर रेंट कैश पे आ रहा घर पे फिर वो पता दिखाना होता नहीं है? वो तो ब्लैक का होता है। अच्छा ठीक है वो नहीं दिखाना। फिर एक जाती है एग्रीकल्चरल इनकम, हाँ तो वो उन्हें पता होगा जिनका होता है एग्रीकल्चर। फिर जाएगा सेविंग बैंक बैलेंस, सेविंग अकाउंट का जो भी बैंक बैलेंस है वो। सेकंड कोई भी एफडी वगैरह है तो वो भी जाएगी। थर्ड है पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, पता नहीं क्या है लेकिन जाता है। और एक होता है मंथली इनकम स्कीम, किसी की है तो वो पता होगी। बाकी होता है एनएसएस, पीपीएफ, प्रोविडेंट फंड जो भी होते हैं, और एक ईपीएफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिनके पास होगी उन्हें पता होगा, और एक LIC, और एक LIC जाती है LIC पॉलिसी जिसके भी है वो पता होगा, और फिर शेयर्स एंड डिबेंचर अगर कोई है तो वो मेंशन करना, मतलब सब कुछ आपको ओवरऑल दिखाना होता है जब आप लोग अप्लाई कर रहे होते हो स्टूडेंट वीजा के अंदर, क्योंकि हम लोग अपनी प्रोफाइल ना स्ट्रॉन्ग दिखानी होती है कि हमारा वीजा कैंसिल ना हो जाए, ठीक है। तो हम लोगों को प्रोफाइल अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग रखनी होती है कि इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने आ जाए, अच्छा अच्छा इसके बाद सब पूछा इसने सब किया हुआ है, भले ही जो भी है ठीक है वो सब दिखाना है। अगर शेयर्स एंड डिबेंचर्स नहीं है, जैसे हमारे केस में नहीं थे, हम लोगों ने नहीं दिखाया भाई, नहीं है हमने कहीं खरीदे, पापा ने कभी शेयर है ना, एक बार खरीदे थे पापा ने, पापा पता मेरे को कहते हैं मैंने ना 1990s में शेयर्स खरीदे थे, 2010 में मैंने बेचे सेम प्राइस के, पापा कह रहे घाटा नहीं हुआ, मैं कह इन्फ्लेशन नहीं होगी पापा क्या बातें कर रहे हो, पापा कह रहे नहीं पर उतना ही, मैं कह ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा सीन था। तो आप लोगों को सारा चीज ओवरऑल उसके अंदर दिखाना होता है सीए की रिपोर्ट्स के अंदर, और अपनी अपनी जो सारी फाइल्स होती है सीए से अटेस्ट करानी होती है, साइन करानी होती है, ठीक है इमिग्रेशन ऑफिसर सब कुछ चेक करता है। फिर उसके बाद क्या लगता है किस चीज में? अरे हाँ वीजा भूल गए, सीए में और 2-3 चीजें और होती है, प्रॉपर्टी कोई भी है वो मेंशन करनी पड़ेगी, क्या उसकी करंट मार्केट वैल्यू है वो जाएगी, और लायबिलिटीज या लोन कुछ भी है तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे आपकी सीए की रिपोर्ट हो गई ठीक है, वो वाला डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद जैसे मान लो जहां पे हम लोग रहते थे गुड़गांव के अंदर, उधर ही ना उधर मैंने गूगल पे लिखा कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन या वैल्यूएटर ऐसे बोलते हैं उसको कुछ, तो उनको पता होता है कि आपकी प्रॉपर्टीज की, वो घर पे आते हैं आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू चेक करते हैं, सब कुछ चेक करते हैं, नहीं तो उनको खुद ही मुंह जुबानी याद होता है। हम लोग मैं ऑनेस्टली बताऊं, हम लोग जब गए थे तो उन लोगों को अंकल को पता था कि अच्छा तुम्हारा घर उस एरिया में, तो उस एरिया के घर के रेट कितने हैं, उन्होंने पूरा एक वो बनाया फॉर्मेट हम लोगों को मिलता है ठीक है अपने एजेंट से, या फिर वो खुद अपना बना के देते हैं। उसके अंदर आप लोगों को लिखना होता है ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है, ये सारी चीजें, और उनके भी साइन चाहिए होते हैं, और भाई पासपोर्ट साइज कॉपी जाती है आप लोगों की ठीक है, फोटो कॉपी मतलब शरीर की मतलब फेस की फोटो जाती है, और आधार कार्ड और लोन सैंक्शन ठीक है। अब अगर मान लो आप लोगों ने स्टूडेंट लोन कराया बाहर आने के लिए तो लोन सैंक्शन, उसकी पूरी रिपोर्ट, उसकी पूरी फाइल की फॉर्मेट, वो सारा कुछ आप लोगों का जाएगा, मेन होता है डिसबर्समेंट लेटर एंड डिसबर्समेंट लेटर वो मेन। उसके अंदर क्या होता है? उसमें फीस कटती है, उसका प्रूफ
होता है कि आपके लोन अकाउंट से इतनी फीस कट, फीस कट चुकी है, ठीक है। और जो और अगर मैं स्टूडेंट लोन और पर्सनल लोन के बारे में बताऊं तो पर्सनल लोन पूरा ठीक है अकाउंट में इकट्ठा आया था, बट स्टूडेंट लोन क्या था बैंक पे करता है। आप लोग बोलते हो बैंक को कि भाई मेरी फीस आ गई है 6 महीने बाद, वो अपने आप पे कर देता है। आप लोगों को जब आप लोग स्टूडेंट लोन लेते हो तो आप लोगों को सिर्फ उसके ऊपर इंटरेस्ट भरना होता है एवरी मंथ। जो आप लोग इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होती है आपकी पढ़ाई होने के 6 मंथ्स बाद स्टार्ट होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने 40 लाख रुपए का या 30 लाख रुपए का आप लोगों ने लोन ले रखा है, ठीक है, एग्जाम्पल कर रहा हूँ मैं, तो आप लोगों की जितनी भी किस्त होगी वो अलग वो होगी मास्टर्स, ये भी एग्जाम्पल एक और कि आप मास्टर्स करने आए हो तो 2 साल की मास्टर्स है, 2 साल 6 महीने बाद से आपकी इंस्टॉलमेंट शुरू होगी, उन 2 सालों में आपकी किस्त कटेगी, वो कटेगी इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट कटेगा सिर्फ, विच इज गोना बी नॉमिनल अराउंड 3,000-5,000 है ना पर मंथ, डिपेंड करता है कितना लोन है, कौन से बैंक से आपने लिया है, तो सिर्फ इंटरेस्ट कटता है 2-2.5 सालों तक, किस्त नहीं कटती, किस्त कटती है 2.5 सालों के बाद। ये भी बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है तो इसलिए मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। और हाँ, प्राइवेट बैंक से लोन प्रेफर मत करना लेने का, पब्लिक बैंक से लेना, ठीक है, सरकारी बैंक से लेना, वो बेटर रहती है चीजें, और इंटरेस्ट कम होता है प्लस आप लोगों का, और प्लस आप लोगों का आधार कार्ड लगेगा, आप लोगों का नहीं पेरेंट्स का, आप लोगों का भी पेरेंट्स का भी दोनों, हमारे नहीं लगता, नहीं लगता नहीं। अच्छा पेरेंट्स का, हमारे तो पासपोर्ट चला गया ना, ये फ्रेश आया ना भाई, आईटीआर बता दो लास्ट, और लास्ट 2 ईयर्स की आईटीआर लगती है, मान लो पापा स्पॉन्सर कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी आईटीआर लगेगी, और अगर आपका कोई रिलेटिव स्पॉन्सर कर रहा है आप लोगों की पढ़ाई तो उनका आपको ब्लड रिलेशन प्रूव करना होता है कि भाई ये मेरे जैसे चाचा मेरे को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो पापा का उनके साथ ब्लड रिलेशन कैसा है कि दादा के दोनों बेटे हैं, तो इसलिए आपके आधार कार्ड पे फैमिली नेम होना चाहिए सबके सेम, और आप लोगों को वो ब्लड रिलेशन प्रूफ करना होता है, तो उसके एफिडेविट्स लगते हैं काफी सारे, कोर्ट के धक्के खाने पड़ते हैं, मैंने बहुत ज्यादा खाए थे भाई जब मैं अप्लाई कर रहा था, तो डॉक्यूमेंट्स बनवाने होते हैं, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब आप लोग स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहे होते हैं। प्लस आप लोगों को अकाउंट के अंदर ऑस्ट्रेलिया के लिविंग एक्सपेंसेस रखने होते हैं, विच इज अबाउट $21,000, तो वो गूगल पे ऐसे लिखा आता है, ठीक है, मैंने मुंह जबानी खुद नहीं बनाया, तो वो आप लोगों को अकाउंट में दिखाने होते हैं, वो फीस कटने के बाद भी, फीस कटने के बाद दिखाने होते हैं बच्चे होने चाहिए, और वो सेम अकाउंट में होने चाहिए, हाँ, जिससे फीस कटी उसी सेम अकाउंट में वो पैसे होने चाहिए, तो आप लोगों को दिखाने होते हैं, ठीक है, वो लिविंग एक्सपेंस होते हैं। ऑस्ट्रेलिया बोलता है कि भाई आप लोग, ऑस्ट्रेलिया बोलता है कि भाई अगर आप लोग जब यहाँ पे आए तो आप लोगों को जॉब नहीं मिलती है तो आप लोगों के पास लिविंग एक्सपेंस कुछ ना कुछ होना ही चाहिए एटलीस्ट अकाउंट के अंदर, कि आप लोग यहाँ पे तो वो आके बोलोगे मेरे को तो जॉब ही नहीं मिली भाई, मैं तो यहाँ पे रह ही नहीं पा रहा, तो भाई ऑस्ट्रेलिया बोलते पर लिविंग एक्सपेंस था तो सही, वो किस लिए था, वो आप लोगों को तब तक रखना है तब तक जब तक आप लोगों का वीजा नहीं आ जाता, जैसे आप लोगों का वीजा आता है यू कैन टेक दैट मनी आउट, आप लोग उस अंदर प्लस माइनस कर सकते हो, बट जब तक वीजा नहीं आता आपको मिनिमम $21,000 विच इक्वल्स अराउंड 11 या 12 लाख है ना, उतना आप लोगों को रखना ही है INR। और भाई आइल्स जाता है, ठीक है, आइल्स का आपको क्या क्या रिजल्ट आया है, और स्कॉलरशिप लेटर, ऑफर लेटर, सारी चीजें जाती हैं जब आप लोग वीजा अप्लाई कर रहे होते हो, और बर्थ सर्टिफिकेट भी है ना, है ना, और बर्थ सर्टिफिकेट भी जाती है, और कौन सा फॉर्म बताया तुमने, 956 है, वो क्या होता है, एजेंट भरता है, मतलब आधा में भरना होता है, अच्छा आधा एजेंट भरता है आधा भरते हैं, और SOP, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि आप लोग ऑस्ट्रेलिया क्यों आ रहे हो, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और कोई डॉक्यूमेंट है, और जिनका बिजनेस है उनको GST भी देना पड़ता है, उनको GST भी देना पड़ता है, ठीक है, तो मतलब पता लग गया आपको बाइक का बिजनेस है, GST की सर्टिफिकेट होती है वो देनी होती है, हाँ, तो हाँ ये सारे डॉक्यूमेंट्स ये होते हैं व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर स्टूडेंट वीजा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर बता दो, डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो, और क्या था, एकेडमिक, और हाँ भाई एकेडमिक्स 10वीं 12वीं की आपके रिपोर्ट कार्ड रिजल्ट्स, तो हाँ वो भी दिखाने होते हैं, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देने की गुजारिश कीजिए, सब्सक्राइब कर देना, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव फ्रॉम मेलबर्न, बॉयज फ्रॉम इंडिया, पीस, और भाई धीरे धीरे खुल रहा है, शांत हो रहा, सही हो रहा है, मस्त अभी इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं, पता नहीं अभी थोड़ा घूमेंगे, अभी थोड़ा घर बैठ के ब्लॉग, दोनों की भाई फेवरेट जगह पे जा रहे हैं हम, ठीक है, और हाँ मैं कह रहा था कि हाँ बस भूल गया और वानी बेटा क्या हाल है, बढ़िया, पेट दर्द वगैरह ठीक है सब, अंडर ऑब्जर्वेशन, मतलब प्रॉपर ठीक नहीं हुआ, नहीं, और ये क्या है, ये दिखाना है, कुछ अजीब सी चीज लग रही है, दिखाओ, दोनों पानी बंद करना है, मैं करूंगा ना, तो भाई ऐसे मसाज करना है, इसको सिर में मार लो, कहीं पे भी मार लो, मस्त इसमें मजा आ जाता है, नींद आ जाती है, अरे भाई ये बेस्ट चीज है भाई जिंदगी में, बेस्ट चीज है ये, डॉक्यूमेंट छोड़ो ये ले लो ये बेस्ट चीज है, इसे मसाज कर लो कहीं भी, मस्त अमेजोन से मंगाई थी $50-60 की मैंने, मस्त आई है, 130 की सॉरी का, और पता है सबसे ज्यादा ऑर्गेजम का बात है जब इसको यहाँ लगाते हैं, आहा हा हा हा, ऐसे कान गर्म हो जाते हैं।